कोशिश करता हूँ। हमारे पास मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स और कंप्यूटर विजन्स के मॉडल्स डेवलप नहीं कर पाते थे और ये कंप्यूटर में ऐसे कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से ये करना यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और वो एक अच्छे
Time to be here and bless this momentous occasion. Thank you all. Jai Hind. मैं माननीय मुख्य अतिथि हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध करती हूं कि वो रिमोट का बटन दबाकर शिला पट्टिका का विमोचन करें. ये MITS का डीम टू बी स्टेटस का शिला पट्टिका है जिसका सब विमोचन आप देख रहे हैं. आप सभी की गरिमामय उपस्थिति में इस विलक्षण क्षण के हम सभी गौरवान्वित होकर देख रहे हैं. अब मैं अनुरोध करूंगी श्री नरेंद्र सिंह तोमर ऑनरेबल स्पीकर ऑफ एमबी लेजिस्लेटिव असेंबली कि वो यहाँ आए और हम सभी को इस क्षण के ऊपर अपने दो शब्द से अनुग्रहित करें. आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री विवेक सेजवलकर जी, राज्य सरकार के मंत्री माननीय श्री नारायण सिंह जी,
आदरणीय प्रशांत मेहता जी, आदरणीय बाजोरिया जी, आर के पंडित साहब, मंच पर विराजमान बोर्ड के सभी अन्य सदस्यगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य सज्जनों और विद्यार्थी भाइयों बहनों पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब MITS में एकेडमिक ब्लॉक का नया आयाम जुड़ रहा है। यह ब्लॉक निश्चित रूप से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है और इस में जो संसाधन जीवन भी आगे बढ़ाएंगे और MITS की प्रतिष्ठा भी सारे देश में बढ़े, इसमें योगदान देने में भी निश्चित रूप से सक्षम होंगे। आज एक और नया अध्याय MITS के जीवन में जुड़ा है। वैसे तो हम जानते हैं कि आम तौर पर जब इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हो, इसकी कल्पना सरकारों के मन में भी नहीं आती थी। उस समय हमारे इस इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाया गया, संचालित किया गया और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें तो देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेज में MITS पहले दो तीन कॉलेजों में से एक श्रेणी पर आता है। ये हम सबके लिए निश्चित रूप से गौरव की और प्रसन्नता की बात है। इसके लिए ये प्रतिष्ठा अर्जित हो, इसके लिए हमारे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य जी, उससे पूर्व राजमाता जी, सभी लोगों ने जिस प्रकार से इस पूरी संस्था को सजा के संवार के रखा, उससे विद्यार्थियों का जीवन भी उत्कृष्ट हुआ और हमारे इस कॉलेज का भी प्रतिष्ठा पूरे देश में बढ़ी। और इसी प्रतिष्ठा के कारण जब कॉलेज ने सारे मानदंड पूरे किए तो आज हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है MITS को डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी स्टेटस मिल गया है। ये दोनों नए आयाम आज MITS के जीवन में जुड़ रहे हैं। इसके लिए मैं संस्था के प्रबंधक मंडल को भी और विद्यार्थियों को भी हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद सर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि उत्साह में अपार शक्ति होती है और इसी उत्साह वर्धन के लिए मैं अनुरोध करूंगी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे आए और हम सभी को इस ओकेशन पर अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। मंच पर आसीन हमारे साथ मध्य प्रदेश के विकास पुरुष, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए केंद्र सरकार के शिक्षा एवं स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के केवल मंत्री नहीं, लेकिन मैं कहूंगा मंत्री के साथ साथ मार्गदर्शक हमारे अपने धर्मेंद्र प्रधान जी, मंच पर आसीन मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, हमारे सांसद शेजवलकर साहेब, मंच पर आसीन हमारे बोर्ड के सभी मेंबरानगण,
के अग्रवाल साहब, अरुण बरजोरिया जी, प्रशांत मेहता जी, डीपी अग्रवाल साहब, रमेश अग्रवाल जी, पशुपति गोपालन जी, लोकेश सक्सेना जी, लेडी फालके जी, बापना साहब, हमारे निर्देशक राजेंद्र कुमार पंडित जी, हमारे सभी प्राचार्यगण और सबसे महत्वपूर्ण इस संस्था की आन बान और शान नहीं लेकिन इस संस्था की आत्मा मेरे सभी नौजवान साथी जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं। टुडे इज अ रेड लेटर डे फॉर MITS। टुडे इज अ डे दैट वी कमेमोरेट आवर पास्ट अचीवमेंट्स। We look at what
करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। भारत सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी लेके आए। पुराने समय में जो पेडागॉजी का सिस्टम होता था उसे पूर्ण रूप से बदल दिया है। और यह अतिशयोक्ति नहीं कहूंगी अगर मैं कहूं कि भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज विश्व भर की सबसे सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी बन गई है, जहां केवल पेडागॉजी की लर्निंग नहीं लेकिन पेडागॉजी की लर्निंग के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाता है। भारत को आगे बढ़कर केवल एशिया का मार्ग प्रशस्त नहीं करना है लेकिन भारत को विश्व का मार्ग प्रशस्त करना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको अथक प्रयास करके परिश्रम करके भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा, विकासशील भारत को विकसित भारत बनाना होगा और भारत माता को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना होगा। मेरे भाई और बहनों, जिस देश में 2014 में एक या दो स्टार्टअप होते थे आज उसी देश में 1,00,000 से ज्यादा स्टार्टअप शुरुआत हो चुके हैं, 110 यूनिकॉर्न आ चुकी हैं। जिस देश में अध्ययन की संस्थाएं की कमी होती थी आज 7 नए IIT बन चुके हैं, 16 नए IIIT बन चुके हैं, 7 नए IIM बन चुके हैं, 15 नए AIIM बन चुके हैं और 390 नए विश्वविद्यालय बन चुके हैं। और आज जो डीम यूनिवर्सिटी की स्टेटस MITS को मिली है, मैं हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी को। उन्होंने मेरे विनती पर तीव्र गति से कार्य करके आपके और हमारे MITS को डीम यूनिवर्सिटी डिस्टिंक्ट कैटेगरी के स्टेटस में प्रदान स्वर्णम दिवस है। आप सबको मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये पहला मेरा कोहोर्ट होगा जो MITS अफिलिएटेड कॉलेज नहीं लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा होगा। ये पहला कोहोर्ट और क्लास मेरा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय भारत और आप सबको शुभकामनाएं। धर्मेंद्र प्रधान ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट इस उपलक्ष्य में हम सब के समक्ष अपने विचार रखें। नमस्कार। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर की जो अभी तक क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस का आज उसकी डीम टू यूनिवर्सिटी यानी एक प्रकार से व्यवस्थित यूनिवर्सिटी की दर्जा देने की शुभ अवसर पे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के परमादरणीय अध्यक्ष सम्माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश शासन की मंत्री आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, ग्वालियर के लोकसभा के सदस्य आदरणीय सेजवालकर जी, यहां उपस्थित संस्था के डायरेक्टर पंडित जी, सारे आदरणीय मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स MITS, अन्य अतिथि मित्रगण, अधिकारी मित्रगण, तमाम फैकल्टी और स्टूडेंट्स भाई और बहनों, मैं सबको शुभेच्छा देता हूं। आज देश के एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट को जो अभी तक अनेक बड़े बड़े व्यक्तियों को
देश के लिए समर्पित किया है, ऐसे एक सम्मानजनक संस्था की एक नई आया 67 में पहले शुरू की गई इस इंस्टीट्यूट की यूनिवर्सिटी स्टेटस हासिल करने का गौरव क्षण है। डिस्ट्रीब्यूट कैटेगरी में आप लोगों को इसकी मान्यता मिली है। इस संस्था में जिस संस्था की ऑनलाइन स्टोर देश की पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कर कमल पर हुई थी, उसकी बिल्डिंग की लोकार्पण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की द्वारा हुई थी, जिस संस्था में विजयराज जीवा जी राव सिंधिया जी, राजमाता विजयराज सिंह सिंधिया जी, माधवराव सिंधिया जी और अंधरोविक्रम ज्योतिराज सिंधिया जी की तथा अन्य महानुभावों की प्रत्यक्ष योगदान रहा है, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन रहा है। आज विश्व यूनिवर्सिटी की दर्जा देने में एक नई आयाम शुरू होगी, देश की नॉलेज डिस्कोर्स में और का ऊंचाई तक हम लोग पहुंचे निशन देने को चुका हूं। उसके साथ साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी और तोमर जी और सिंधिया जी की उपस्थिति में श्रीमंत बाजार और सिंधिया नॉलेज सेंटर की भी लोकार्पित किया गया। मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में अनेक अच्छी बात तो पहले से भी सुना हूं। इसमें जो थे विश्व विद्वान वैज्ञानिक चिंतन है डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत जी भी संस्था के पुराने अलुमनी रहे, सुरेश्वर जैन पूर्व चेयरमैन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, श्री केशव जयसवाल वाइस प्रेसिडेंट ज्योति मोर्गन, श्री अरुण कपूर डायरेक्टर फोर्ट मोटर्स, ऐसे अनेक महानुभाव इस संस्था से जुड़े हुए बिल्कुल कुछ अन्य मित्रों के बारे में सिंधिया के उल्लेख कर रहे हैं। मित्रों में आज की शुभ अवसर पर दो तीन छोटे छोटे विषय मैं आपके सामने रखना उचित मानता हूं। दो दिन पहले हमने माननीय मोहन बिहारी यादव जी के साथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के साथ आईआईटी इंदौर और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन के साथ एक अनुबंध किया। उज्जैन हमारे सभ्यता के मूल केंद्र बिंदु है, सभी विषयों की मूल में समय रहती है, काल रहती है। हमारे सभ्यता की काल गणना की मूल केंद्र संजय से देखिए मध्य प्रदेश की उज्जैन शहर है और आने वाले दिनों में हम एस्ट्रोफिजिक्स की, एस्ट्रोनॉमी की और मेगा कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग की एक नई दुनिया मध्य प्रदेश में बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं उस दिन भी कहा था, आज उसको दोहराऊंगा, मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ शहर है ग्वालियर उज्जैन इंदौर भोपाल जबलपुर सागर रूरा, ऐसे कुछ शहर है जो देश की ज्ञान प्रवाह में अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान निभा सकता है। चित्रकूट भी उस दिन में आए परंपरागत ज्ञान कुंभ और आधुनिक आवश्यकता उसके लिए समाज को तैयार करने में निश्चित रूप में आज की विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मध्य प्रदेश की अन्य सभी संस्थाओं के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के लिए नवाचार करना, इनोवेशन करना, उसके लिए टेक्नोलॉजी बनानी और लोगों की जिंदगी को आसान करना, ये यूनिवर्सिटियों की काम है। बीच पर रिसर्च करना, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी निकालना और लोगों की जिंदगी में ईज बनाना, शहर का बनना इसकी जो मूल चिंतन की केंद्र बिंदु यूनिवर्सिटी होगा। मेरा पूरा विश्वास है माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस द्वारा यूनिवर्सिटी के रूप किया है उसमें एक अग्रणी एक अग्रसर की भूमिका निभा है। मित्रों आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। देश में दो तीन घटना हो रही है, इन दिनों में देश में स्टेट एजुकेशन की रुचि बढ़ी है और उसमें से लड़कियों की रुचि ज्यादा बढ़ी है।
अच्छी रक्षा है। मैं नहीं जानता कि माधव इंस्टीट्यूट में जेंडर प्रोपोर्शनल क्या है, लेकिन मैं अपेक्षा रखूंगा क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों पर जब तक हम बराबरी का प्रोत्साहन नहीं दें, बराबरी का अवसर नहीं दें, लड़की ऐसे गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। अभी एक भारत सरकार की जो परिसंख्या आई है उसी में यह प्रमाणित करती है भारत में लड़कियों की कैपेसिटी स्टेट एजुकेशन में भी लड़कों की बराबर है। आज 100 में से 33 स्टूडेंट्स लड़की होती है भारत में स्टेट एजुकेशन में। माधव इंस्टीट्यूट उस विषय में जत्न लेगी, ध्यान देगी और उसको 50% की बराबरी पर लेके आएगी। ज्यादा लेने से और बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरा पहला सुझाव रहेगा तब जाके इन्हीं की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। मित्र, हमारे देश में हम अभी 4 ट्रिलियन डॉलर साइज की इकोनॉमी है और फिर भी आर्टिस्ट इकोनॉमी है दुनिया के अंदर। आने वाले अमृत काल में अगर हम विकसित भारत होंगे 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा। उस इकोनॉमी न केवल भारत को प्रभावित करे, दुनिया के सभी देशों को प्रभावित करे। मैं अगर मेरे शहर से समझ सकता हूं ग्वालियर शायद मुक्ति जो या समूचा मध्य प्रदेश शायद दुनिया की बात कहता हूं, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कह रहा हूं, भारत की बात नहीं कह रहा हूं, शायद दुनिया की लॉजिस्टिक के बहुत बड़ा प्रयोगी हो जाए, एक बहुत बड़ा वायरआउट हो जाए नॉलेज की दुनिया भर के सभी देशों की ज्ञान प्रवाह की मूल हमेशा प्राइवेट बन जाए। माधव इंस्टीट्यूट हो सकता है यह अपनी शक्ति नहीं है, जिस तरीके से भारत की नौजवान लंबा छलांग लगाने की लक्ष्य जुटा रहे हैं वो दिन दूर नहीं है। इसलिए हम आज सही कुछ उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। ऐसे ही वाले समाज जीवन में तो बहुत बड़ा उत्कृष्ट केंद्र है, कला साहित्य संस्कृति सहानुभूलता त्याग की भूमि है ग्वालियर। उस ग्वालियर भूमि से नॉलेज इकोनॉमी उसकी अगर ड्राइवर होता है तो हम भारत की आवश्यकता के साथ दुनिया की आवश्यकता को पूरा करेंगे। इसीलिए दुनिया के सबसे ज्यादा नौजवान भी भारत में है। दूसरी मेरे सुझाव है जो सब देखो मैक्रो ने हमें भ्रमित करने का कोशिश किए थे 19वीं सदी में, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मैक्रो ने भाषण दिए थे भारत की शिक्षा नीति के बारे में उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा भारत को पराजित करना है तो भारत की मूल शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक नया व्यवस्था रचना किया था। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसकी विकल्प के रूप में हमने लेके आए हैं। इसमें प्रमुख शर्त है पढ़ने पढ़ाने का व्यवस्था मातृभाषा में करें। हमें ग्वालियर को मातृभाषा आधारित इनोवेशन है। जब तुम्हारे ने बड़ा मकान बनाया हो, किला बनाया होगा ग्वालियर में, तब उसमें कोई आईआईटी नहीं था। उस समय में कोई यूटेस सरकार आर्किटेक्ट नहीं आए थे यहां उसकी डिजाइन करने के लिए। हमारे मकान बनाया हुआ, हमारे ग्वालियर की जरूरत बने हुए उस ज्ञान प्रभाव को हमें गौरव के साथ पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसलिए मातृभाषा आधारित शिक्षा अनिवार्य है। इसमें माधव इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अग्रसर होगा, ये मेरा आदर्श है। अंतर मित्र, दुनिया तेजी से बढ़ रहा है, भारत उसमें से आगे से बढ़ रहा है। आज है 10-13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी देश में 3 नए सेमी कंडक्टर प्लांट की फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। जो गुजरात में कोई आसान है उसमें लाखों की संख्या में मैनपावर लगेगी। सेमी कंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स की एआई की दुनिया बन रहा है, भारत में लाखों लोगों की आवश्यकता है स्किल मैनपावर। जब 23-13 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसकी उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे, फाउंडेशन छोड़ देंगे,
मेरी अपेक्षा रहेगा सुधार रहेगा उसमें न्याय के उसमें जुड़े और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है भारत को तो एक नई दिशा देना उसकी नाम प्रधानमंत्री को खुद रखना यह इंडिया की पेटेंट होगा इस दशक पेटेंट होगा टेक्नोलॉजी का विकास होगा ये चीफ बनाया जाएगा विकसित भारत के लिए उस मुहिम में आपको जुड़ने का न्योता भी देता हूं और शुभेच्छा देता हूं ये नई यूनिवर्सिटी न केवल परंपरागत डिग्री और स्टेट एक्टिवेशन देगा दुनिया की आवश्यकता भारत की आवश्यकता मूल का मध्य प्रदेश की सभी समस्याओं का उत्तर के साथ रहेगा इसी शुभेच्छा के साथ मैं आप सभी को आभार प्रकट करता हूं मेरे को जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद So much for the summaries of wonderful information on women education policies. Now, ये हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में नव ऊर्जा के संचार के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हमारे बीच उपस्थित है मैं माननीय से अनुरोध करूंगी कि वे इस उपलक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करें माफ करना मेरा गला मीठा हुआ है मेरी अपनी ओर से शुभकामना आप सबको दे रहा हूं मंच पर विराजमान आपके अपने यहाँ के लोकप्रिय नेता प्रदेश के यशस्वी और भारत सरकार के सबसे जोरदार उड्डयन मंत्री माननीय सिंधिया जी आपका वंदन अभिनंदन है और भारत सरकार के बहुत सारे दायित्व का निर्वहन कर चुके प्रदेश के भी मंत्री रहे भारत सरकार के भी मंत्री रहे यहाँ के सांसद मुरैना के सांसद और भी हमारी विधानसभा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी उनका भी अभिनंदन है बंधन है मेरे साथ मंत्री नारायण कुशवाहा जी माफ करना मैं अभी हमारे बीच में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं अभिनंदन करता हूं वंदन करता हूं जोरदार ताली बजा करके अभी अभी जिन्होंने अपना भाषण समाप्त किया और इस अवसर पर मेरे साथ मंत्री रहे नारायण जी मंत्री है माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी जोरदार अभिनंदन के नारायण सिंह जी का मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण सभी प्राध्यापकगण प्यारे मित्रों पत्रकार साथी माधव खास करके साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में मेरा एक अलग विचार होता है मेरी रुचि भी रहती है अभी जैसे माननीय धर्मेंद्र जी ने कहा है आपके संस्थान की तो वैसे अच्छी प्रतिष्ठा है लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है हमारे सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी इंस्टीट्यूट का भारत सरकार के आईआईटी के साथ कोलोबरेशन करा करके इनको उनके साथ खड़े करने की मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है मैं इस नाते से इस संस्था को भी देखना चाहता हूं मेरी बात से सहमत होंगे तो एक बार ताली बजा के बताना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते समय का भारत है और बदलते समय के भारत में हमारे लिए अभी कल ही हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का जैसा माननीय धर्मेंद्र जी ने कहा है आईआईटी का एक तरह से सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में प्रारंभ करने का निर्णय किया है और इस केवल उज्जैन को नहीं आगे जाकर के जो जो हमारे कॉलेज हैं इन सबका आईआईटी इंदौर से संबंध जुड़ा करके सभी रूप में एक तरह से नया दरवाजा खोलेंगे जिसके माध्यम से आपकी भी ग्रेड उनके बराबर आ जाए इसलिए मैं आपको शुभकामना देता हूं बधाई देता हूं और एक और कारण से आज आपने अपने डीम यूनिवर्सिटी की शुरुआत की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का आज लोकार्पण करना ये अपने भविष्य की दृष्टि से इस संस्था की साख बढ़ाने के लिए आप इस डीम यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपने पेपर खुद सेट करेंगे अपने सिलेबस पे आप ध्यान दे सकेंगे अपनी परीक्षा आप कराएंगे
इसके माध्यम से संस्थान की ऑटोनॉमस व्यवस्थाओं का आपका कंट्रोल है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा नई शिक्षा नीति के माध्यम से बदलते दौर में हमारा ये इंस्टीट्यूट पूरे देश का नंबर वन बने। मैं आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आज के अवसर पर एक बार फिर यशस्वी शिक्षा मंत्री भारत सरकार का आभार भी मानता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश के खासकर शिक्षा विभाग से सभी प्रकार के संस्थाओं में आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। एक बार फिर संस्था के सभी पदाधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूंगा। आपकी मौजूदगी से संस्था ने लंबा सफर तय किया है। 1957 से चालू हुआ सफर अमृत काल में अपने उद्देश्य की पूर्ति करे, ये मैं मंगल कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता जी। श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी तो प्रस्तुत करें। मैं अनुरोध करूंगी कि वे श्री नरेंद्र सिंह तोमर ऑनरेबल स्टेट और एमपी पहुंच के आ रहा हूँ। जहाँ से मैं भैया मोबाइल